संत जी ने भविष्यवाणी की है, वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्य। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजरस। तो दर्शन दोस्तों, तो एक वीडियो जो कि क्लिप आपने शुरू में जरूर से देखा होगा, देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको पता ही है। हालांकि मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ वो कलयुगी बाबा का है, और उसका कारण भी है क्योंकि बहुत लंबे समय से जितने भी कथावाचक हैं, मतलब मैक्सिमम लोग कुछ को छोड़ दिए थे, तो वो वही घिसे पिटा लाखों साल का नंबर बताते रहते हैं। पर चलो, भविष्य मालिका का कुछ तो डेफिनेटली अच्छा असर हुआ है जो इन लोगों तक ये पहुंची, भले ही अनलिमिटेड पहुंची है, भले ही एक तरफा पहुंची है, पर पहुंची है, वो अच्छी बात है। और एट दी एंड ये कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग एंड की बात कर रहे हैं, भगवान कल्कि की बात कर रहे हैं, तो वो ही बहुत बढ़िया है। और फिलहाल जो मैं क्लिप दिखा रहा हूँ ये कोई हमारे इधर की नहीं है, पहले भी इन्होंने यहाँ पे भी बोल रखा है, पर ये टोरंटो कनाडा की है मेरे ख्याल से, है ना, और कुछ दिन पहले की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, थोड़े दिन पहले की है, तो काफ़ी लेटेस्ट क्लिप है। आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो कि किस तरह से परिवर्तन इनमें भी आ रहा है, लिटरली देख के मज़ा आ रहा है। आप भी देखो, काफ़ी कुछ बताया इन्होंने, काफ़ी अच्छे पॉइंट कवर किए। उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट अब लोग इनसे ही जागे, भाई जागो सही, थोड़ा सा वैदिक धर्म की तरफ बढ़ो, नेचर से जुड़ो, भगवान की स्तुति की तरफ बढ़ें, तो ही डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होगी, बेहतर होंगी, और हम कल से जो कली का अंधेरा है वहाँ से सत्य की तरफ बढ़ पाएंगे, है ना। तो खैर, आप लोग वीडियो देखो, बाकी बात करते हैं आगे। भविष्य मालिका उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है, भैया हमको देखे गए, संत जी ने भविष्यवाणी की है, वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। उपस्थित सभी भक्त वृंद, साधुवाद आप सभी का, सीधे काम से मंदिर तक पहुंचने के लिए और अपने कल्याण की इतनी चिंता होने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अदरवाइज कलयुग चल रहा है, यहाँ अपने कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। और जो जो निशान बताए गए वो सब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बताऊं, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं, उसमें अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर, वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का, जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं है, जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्य मालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा, जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा, 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। इट्स नॉट माई ओपिनियन, एम राइट। और पिछले 2005 से लेके ये सब घटनाएं घट रही हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में, यू कैन सी ऑन इंटरनेट इन गूगल। ध्वजा में आग लग चुकी, निशान बताएं कि कलयुग का अंत कब होगा, बोले ध्वजा में आग लगेगी, जिन पक्षियों को नहीं बैठना चाहिए वहां वो आके बैठेंगे और लगातार आके बैठ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कलयुग का अंत तब समझना जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा, पढ़ा है ना मैंने, 19वां राजा राज कर रहा होगा, और जब 19वां राजा राज कर रहा होगा
तो उस राजा के संतान नहीं होगी, उस राजा के संतान नहीं होगी। और जब उस राजा के संतान नहीं होगी तो समझना कलयुग का अंत हो रहा है, और वर्तमान में जो राजा हैं उनके संतान नहीं है। नो डोंट लाफ। और 19 में ही हैं, और 19 में भी ही हैं। ये 600 वर्ष पहले किताब लिखी गई है, 600 years ago ये भविष्य मालका की किताब लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि द्वारका का जगन्नाथपुरी के जो राजा होंगे वो 19 में राजा होंगे उस परंपरा के, और उसके बाद कोई राजा नहीं होगा वहां। और जो 19 में राजा होंगे उनके संतान नहीं होगी, और जब उनकी संतान हो तो समझ लेना कलयुग का अंत है। और अब उनकी आयु भी कम नहीं है, राजा की आयु भी लगभग 1970 में वो राजा बने, और तब वो 19 साल के थे, 1970 में बने थे, 19 साल के थे, तो मतलब 51 का उनका बर्थ है, तो आज कितने के हो गए, कितने दिन और उन्हीं के रहते हुए कलयुग का अंत होगा। और उसमें यह भी हिंट दिया गया कि उस समय भारत का राजा कौन होगा, और संयोग से वही राजा है। बहुत सारी भविष्यवाणी उनकी सच हो चुकी हैं। दो से तीन साल हम लोगों पे हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है बचेंगे कौन, जो जगन्नाथ प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे, जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। नाउ यू से कितने साल रहना चाहते हो, 2-3 साल, तो इंजॉय योर लाइफ, डू व्हाट एवर यू वांट। और इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग देन यू डू व्हाट आई से, व्हाट योर ग्रंथाज से, टेक फीड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान के चरण पकड़ लो, उनका नाम गाओ, शिव की शरण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे भविष्यवक्ता मत समझना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, में आपकी आप तो फिर भी इंटेलिजेंट है, मैं तो वो भी नहीं हूं, मैं तो आपसे 4 कदम पीछे हूं, आगे नहीं हूं। तो कहिए मत समझना देवकी नंदन ने कहा था, भविष्य मालका ने कहा था, रेफरेंस दे रहा हूं, पढ़ लो। और वो भगवान के 5 सखाओं में से एक है, और वो मिथ्या नहीं लिख सकते, तो समझ लीजिए, हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, बचा लियो ठाकुर जी, जो यहाँ आए हैं, जो ठाकुर का नाम ले चुके हैं, गोविंद सनातनियों को तो बचा ही लेना, बाकी का जिनको देखना वो देख लेना, आई डोंट माइंड। 57 और 89 को तुम देखना, हम पे तो एक भी कंट्री नहीं है सरकार, हम तो विदाउट कंट्री जी रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे। तो हमारे पास कितना समय बचा है, 25, 26 और तो कै साल बचे हैं के? तो कितने साल है हमारे पास, जो ठाकुर जी के हो जाएंगे उनको 30 भी मिल सकते हैं, और जो ऐसे ही रह गए तो भविष्य मालका में लिखा है 25, 26, 27। और माहौल तो ऐसा ही बन रहा है फिलहाल, तो 3-4 जगह पे युद्ध चल रहा है, एक पागल के सटकने की जरूरत है बस, एक भी पागल सटक गया कसम से वर्ल्ड में भयंकर तबाही हो सकती है, क्योंकि सब पे परमाणु रखा है, एक पागल की दिमाग खिसक जाए, और 3-4 पागल हैं इकट्ठे, आप कॉर्नर देखिए, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, आप वो चीजें होती हुई दिख रही हैं, 3-4 कॉर्नर पे 3-4 पागल बैठे हुए हैं, बस एक की खोपड़ी सटकी नहीं, और प्रोग्राम सेट ठाकुर जी वाला हो जाएगा, 4,32,000 वाला काम वो 5,000 में ही सिलट जाएगा, जो योगी हो सकता है। तो इसलिए ठाकुर जी के बन जाओ, उसमें भी 30-35 करोड़ बचेंगे, तुम्हारे यहां तो वैसे ही 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में से 10-15 लाख ही होंगे हमारे, तो भाई तुम्हारी गारंटी हम ले लेंगे, बस तुम हमारे ठाकुर जी के नाम जब्बे की गारंटी तुम ले लो, तुम्हारी गारंटी हम लेते हैं। जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो समुद्र के पार रहते हो, सीमा के लिए कोई सीमा नहीं है, मैं दावे से कहता हूं मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, आप सब सनातनियों के लिए सुरक्षित रहने के लिए मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, आपको ठाकुर जी मेरा सुरक्षित रखे।